ओम अज्ञान तिव्रांतस्य ज्ञानमुदं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णु कल शाम कथा आप बोल नमो विष्णु पादाय राधिकाय अभ्यर्थम शिष्यमा भक्ति वेदां करनाय वस्तुं के सर्वप्रथम मैं गुरुदेव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। हमारे जो ब्रज की भक्ति विशेष करके मंजरी भाव और गोपियों की भक्ति जो उत्कृष्ट भक्ति है, इस भक्ति को उजागर किसने किया? पहले भक्ति को भक्ति बोलते थे, भक्ति प्रेम रस नाम किसने दिया, इसको रस किसने कहा? ये ऐसा रस है जो एक बार इसको चख ले जीव तो समस्त जो है रस उसको पीने लग जाता है। भक्ति प्रेम रस, एक महाप्रभु जी से भी पहले एक संत हुए जो महाप्रभु जी के परम गुरुदेव हुए, जिनका नाम है माधवेंद्र पुरीपाद जी। ये जो भक्ति को रस और मंजरी भाव का जो अंकुर खिलाया वो माधवेंद्र पुरीपाद जी ने खिलाया। माधवेंद्र पुरीपाद बड़े ही कुछ कोटि के संत याचक थे, अर्थात किसी से कुछ मांगते नहीं थे। भगवान की प्रेरणा से किसी प्राणी के हृदय में यदि कुछ देने की प्रेरणा जागृत हो जाए और वो कुछ लाके दे दे तो उसे भगवान की कृपा मान करके उसको ग्रहण किया करते थे। किसी के पास भी जाकर के मांगते नहीं, इनको कहते अयाचक। जो याचना ना करे उसको अयाचक। तो ये अयाचक संत थे, बड़े कुछ कोटि के संत। एक बार ये ब्रज में हमेशा गोवर्धन में परिक्रमा किया करते थे। एक बार ये परिक्रमा करके गोविंद कुंड है उधर स्नान आदि करके आने की संध्या करने लगे और वहां पर विश्राम जब ये करने लगे तो तभी वहां पर एक सांवला सलोना बालक आया और कहा, बाबा आप तो भूखे हैं और ये दूध भेजा मेरी मैया ने, इसको पी लो। तो दूध का बड़ा गिलास, पहले जो है आधा आधा एक किलो के बड़े बड़े गिलास हुआ करते थे, उस गिलास को लेकर के माधवेंद्र पुरीपाद जी को प्रदान किया और कहा, लाला तुझे कैसे पता मैं भूखा हूं? कहा, मेरी मैया अभी अभी जल लेने के लिए यहां से गुजरी थी और अन्य उनकी संगिनी थी, उन्होंने देखा कि आप भूखे प्यासे हैं और रोज यहां परिक्रमा करते हैं तो मैया ने मुझे भेजा आप उसको ग्रहण। उन्होंने ग्रहण किया और उस दुग्ध को जब पिया तो उनको बड़े आनंद की अनुभूति होने लगी, क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र वो सांवला सलोना गोप बनकर के आए थे, बालक बनकर के आए थे और उन्होंने ही वो दूध उनको प्रदान किया। उसको वो पीने लगे, जिस प्रकार से जैसे जैसे पीते उनके आनंद की सीमा न रही, पूरा शरीर रोमांचित होने लगा और देखने लगे कि लाला का है। लाला ने कहा, आप चिंता ना करो, आप आराम से पियो और मैं आकर के गिलास ले जाऊंगा। वो इंतजार करते रहे, बालक नहीं आया, रात्रि हो गई और रात्रि में शयन किया तो वही गोप बालक जो है उनको दर्शन स्वप्न में दे रहा है और कहा, हे बाबा
मैं इधर ही पास में ही कुंज में जो है छिपा हुआ हूं, दबा हुआ हूं। मुगलों के आक्रमण के कारण जो है मुझे ब्राह्मणों ने इस निकुंज में यहां पर गोविंद कुंड के ही पास एक कुंज है, उधर मुझे यहां छिपा के रखा है। कृपा करके मुझे वहां से निकालो और मेरी जो है बहुत दिनों से तीव्र ताप जो बना हुआ उसको दूर करो। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने जब ये स्वप्न देखा और समझ गए कि वो बालक और नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र थे और उन्होंने ही आकर के मुझे दुग्धपान कराया। एकदम से रोते रोते उठे और सुबह होने का उन्होंने जैसे प्रतीक्षा की, स्नान आदि किया, आसपास के गांव वालों को बुला करके उस कुंज में जाकर के प्रवेश किया और कहा यहाँ पर गोविंद देव जी यहाँ पर विराजमान। तो उधर जो है खुदाई करी, थोड़ी सी झाड़ियां हटाई तो उनको बाहर निकाला तो साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह जो आज नाथ द्वारा उदयपुर के पास विराजमान है, श्री नाथ जी प्रकट हुए। गुरु श्री नाथ देव भगवान की जय। तो उनका सुंदर तरीके से दूध से गंगा जल से स्नान आदि किया, चंदन दिया और सुंदर भोग लगाया और वो उत्सव ऐसा चला, वर्षों तक उत्सव चला। कभी कोई गांव के लोग आकर के वहां 56 भोग का भंडारा लगाते, भोग लगाते और पूरे आसपास के गांव को आमंत्रित करते और सबको भंडारा कराते। कभी दूसरे गांव में ऐसे करते करते समस्त गांव की जब बारी आती तो कम से कम भी वो भंडारे का उत्सव जो है कई महीने चला। यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से सेवा हो रही थी। आप जो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो आज भी गिरिराज जी के ऊपर जो ठाकुर जी का मंदिर आपको नजर आता है गोविंद देव जी के पास, वो इन श्रीनाथ जी का ही है और वहां पर आज भी सेवा होती है। लेकिन गौड़ीय भक्त लोग ऊपर गिरिराज जी के चढ़ते नहीं, नीचे से प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु भी कभी भी गिरिराज जी के ऊपर चढ़े नहीं। इसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए गौड़ीय भक्त ऊपर नहीं चढ़े। तो श्री नाथ जी का अब द्वारा स्वप्न हुआ, हे माधवेंद्रपुरी जी, मैं कई समय से कई वर्षों से यहां दबा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा तापित हो रहा हूं, मुझे मलय पर्वत का चंदन लाके दो जो पुरी में मिलता है और उससे मेरा अभिषेक कराओ, तब ये ताप दूर होगा। तो ये आदेश प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी वहां पर ब्राह्मणों को सेवा प्रदान करके वहां से चले हैं और हरिनाम करते करते ये अयाचक संत वहां से पधारे श्री पुरी जी के लिए और पहुंचे हैं श्री खीर चोरा गोपीनाथ जो रेमुणा में पड़ता है। वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किया और जब दर्शन किया तो जो लोग वहां गए हैं वहां की इतनी स्वादिष्ट खीर आज ही बनती है, भगवान को वहां पर भोग लगाया जाता है, कसोरों में भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी का वो खीर का प्रसाद जो है पाना चाहते थे लेकिन अभी भोग लगा नहीं था। पुजारी जी कसोरों में ले जा रहे थे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। इनके मन में यह आया कि काश इस खीर प्रसाद को मैं चख लूं तो ऐसा ही खीर का भोग मैं गोवर्धन में लगवाऊंगा इस अभिलाषा से। देखो यहां पर अभिलाषा सेवा की है तो वो अभिलाषा उनके मन में जागृत हुई और तत्क्षणात उनके मन में यह आया कि मेरी दृष्टता की कोई सीमा नहीं, मैंने अभी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया उससे पहले इसको पाने की अभिलाषा कर दी। मेरे जैसा जो है दुष्ट जीव इस धराधाम में, मुझे तो मर जाना चाहिए। और वहां से रोते बिलखते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करके वहां से पहुंचे हैं एक हाट में जिसे बाजार बोलते हैं, वहां पर बैठ करके चुपचाप रोते बिलखते हरिनाम कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ठाकुर जी के भोग लगने से पहले इच्छा जागृत कर ली कि मैं इसको पान कर लूं। हरिनाम कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो जो कसोरे थे आज भी 9-10 कसोरों में भोग लगता है, उनमें से ठाकुर जी ने अब यहां पर लीला खेली। पुजारी जब भोग लगा के गए तो एक कसोरा अपनी धोती के नीचे छिपा लिया,
जैसे ठाकुर जी का सुंदर यहाँ पर दर्शन होता है, यहाँ जगन्नाथ जी है, जब श्री कृष्ण जी का सुंदर दर्शन आप देखेंगे तो उनको धोती से सुंदर श्रृंगार किया जाता है, तो ठाकुर जी ने अपनी धोती और अपने पीताम्बर से उसको ढक लिया और वो पुजारी देख ना सका, कसोरे उठा करके प्रसाद सबको वितरण किया। और फिर जब वो रात्रि में सोने के लिए चला गया तो रात्रि में भगवान गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए, हे ब्राह्मण देव ये मेरा एक भक्त आया है श्री माधविंदपुरी जो भी हाथ में बैठा हरिनाम कर रहा है, मैंने एक खीर का कसोरा उसके लिए चुराया है, जो तुमने भोग लगाया वो मेरे वस्त्रों के नीचे है, उसको ले जाकर के उस मेरे भक्त को प्रदान करो। पुजारी जी एकदम से हड़बड़ाहट में उठे और रात्रि में ही भगवान का सुंदर दर्शन हुआ, रात्रि में ही भगवान का सुंदर आदेश को प्राप्त करके पुनः कपाट खोल करके ठाकुर जी के ग्रह मंदिर में प्रवेश करके उसको सूर्य को उठा करके वो चले हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी को ढूंढने के लिए। और उस घाट पे पहुंच करके पुकार रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी जी, हे माधवेंद्रपुरी जी, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। इधर जब इनके कानों में अपना नाम गूंजा तो एकदम उठ खड़े हुए कि यहां मुझे जानने वाला कौन है, और मेरे मन में जो गंदी भावना आई उसकी सजा मुझे मिलने वाली है, उनको ऐसा भय सताने लगा। तुरंत वो ब्राह्मण देव आए और कहा, माधवेंद्रपुरी जी आप हैं क्या? हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी हूं, बताओ, मैं तो बड़ा ही पापी निकृष्ट हूं, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे दंड प्रदान करें। तो ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं नहीं, आप महान संत हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हैं, आपको साक्षात भगवान ने जो है याद किया है, मुझे सुपुत्र प्रदान किया है और कहा प्रसाद जाके माधवेंद्रपुरी पाद को प्रदान करो। उसको ग्रहण करते हुए रोते बिलखते हुए माधवेंद्रपुरी पाद जी कहने लगे, हे प्रभु आप कितने कृपालु दयालु हो, आप माखन चोर तो थे खीर चोर की हो, और आपने मेरे जैसे दृष्टा दिखाने वाले जीव पर ऐसी कृपा की कि ये खीर मेरे चुराई। तब ब्राह्मण देव ने उनको कहा, आप आइए मंदिर में शयन कीजिए, मंदिर में आप रहिए। उन्होंने कहा, नहीं आप मुझे ये रहने दीजिए, बस ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। प्रसाद को लेकर के रातों रात वहां से चले हैं पुरी में और खीर को पाया है, और कई दिनों तक उस खीर को खाने के बाद भी उस कसोरे की जो तोड़ तोड़ करके डलिया है उसको पाते हैं रोज, उस मट्टी के कसोरे को भगवान का प्रसाद समझ के रोज पाते हैं, उसको फेंकाने कसोरे को उसको भी पाया। इतनी सुंदर भावना श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की। वहां जाकर के जब ये पहुंचे रातों रात इसलिए चले कि ठाकुर जी ने उनके लिए खीर चुराई है और लोग बाग उनका गुणगान करेंगे, और भक्त कभी अपना यश चाहता नहीं, इसलिए वहां से रेमुणा से वो रातों रात चले गए। लेकिन भगवान इतनी कृपा हुए अपने भक्त को यश जरूर प्रदान कर देते हैं। पुरी में उनके पहुंचने से पहले ही खीर चोरा गोपनाथ गोपीनाथ नामकरण हो गया गोपीनाथ जी का, और किनके माध्यम से हुआ उनका यशोगान चारों ओर गूंजने लगा। पुरी में जो है उनका नाम हो गया कि माधवेंद्रपुरी यहां से पुरी गए हैं, उनकी वजह से गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। वहां जाकर के जब वो पहुंचे उनको देख करके सबने पूछा, संत कहां से पधारे? कहा, मैं गोवर्धन से आ रहा हूं और मुझे मलय पर्वत का चंदन लेने के लिए आदेश हुआ है। तो समझ गए यही माधवेंद्रपुरी पाद है। उनको वहां के राजा ने, वहां के भक्तों ने, वहां के पंडाओं ने बड़ा आदर सत्कार से उनको रखा। कई महीने उनका बड़ा सुंदर तरीके से स्वागत करके उनको बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया, और बाद में एक ब्राह्मण को साथ रख करके अच्छा सा मलय चंदन गठरी बांधकर उनको प्रदान किया कि जाइए आप गिरिराज जी महाराज पर और ठाकुर जी का सुंदर तरीके से चंदन का लेप कीजिए, अभिषेक कीजिए। वहां से चंदन की गठरी ब्राह्मण को प्रदान की, और ये ऐसे याचक हैं, उन्होंने कहा इनको क्यों कष्ट देते, मैं लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये आपके साथ जाए। वहां से फिर ये पधारे हैं, पुनः रेमुणा आए हैं, गोपीनाथ जी जो अब खीर चुरा गोपीनाथ हो चले हैं, उनका पुनः दर्शन किया और सुंदर कीर्तन इत्यादि करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। वहां पर रोज नृत्य करते हैं, सोचते हैं दो तीन दिन रुकूंगा, लेकिन भगवान ने सुपुत्र आदेश किया, हे माधवेंद्र तुम चिंता मत करो, मैं ही श्रीनाथ हूँ, मैं ही गोपीनाथ हूँ, मुझे चंदन लगा दो और यही विश्राम करो। ठाकुर जी का आदेश हुआ तो उन्होंने वही रोज सेवा प्रदान की और श्री गोपीनाथ जी को वहां पर चंदन प्रदान किया, कहा यहाँ तुम मेरी सेवा करोगे, वहां गोवर्धन में मेरी सेवा होगी, निश्चित हो जाओ। तो ऐसे महान संत जो हमारी परंपरा में है, आज हमने उनका स्मरण किया। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमने कल तक श्रवण किया था कि किस प्रकार मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। तो यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है, विष्णु चंद्र प्रभु बड़ी सुंदर सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बहुत सारे प्रश्न कोई कर सकते हैं। जैसे मैया ने कृष्ण को बांध दिया, हाँ बांध कैसे दिया? अगर कोई प्रश्न करेगा भगवान तो ये तो दोष हो गया, क्योंकि तो भगवान कैसे होने चाहिए, असीम अनंत, तो ये बंध कैसे गए, ये बांध दिया तो ये कोई दोष हो गया। लेकिन यहाँ बताते हैं दोष नहीं, ये गुण है, भक्त वत्सलता। क्योंकि भक्त क्या चाहता था, यशोदा मैया क्या चाहती थी, कृष्ण बंध जाए, और उनकी भक्त वत्सलता को देख करके भगवान वहां पर बंध गए हैं, तो ये दोष नहीं है, ये क्या है, एक बहुत अच्छा गुण है। फिर कोई कहता है कि भगवान तो आत्मराम आप्तकाम है, भगवान में तो किसी प्रकार की कोई इच्छा स्फूर्ति नहीं होता, स्पुर्णा नहीं होती, भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। फिर वो किस प्रकार जो है यह मक्खन मांगते हैं, मैया मुझे मक्खन दे दो, मैया मुझे दूध पिला दो, भगवान की तो कोई इच्छा नहीं होती, तभी तो भगवान है। लेकिन ये तो आत्मराम का यहाँ तो नहीं दिख रही है, कृष्ण तो जाकर के मैया को दूध भी मांगते हैं, मक्खन भी मांगते हैं, तो बताया ये तो फिर दोष हो गया। लेकिन ये दोष नहीं है, ये गुण है, क्योंकि कृष्ण जो भी करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ पर करते हैं। फिर एक और प्रश्न बताया कि भगवान कौन है, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान पूर्ण 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 से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण ही रह जाता है। फिर यह भगवान जो है ये अभाव कैसे नजर आ रहा है भगवान के अंदर, है मक्खन चाहिए दूध चाहिए, अभाव कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि भक्तों के मन में ये इच्छा है कि कृष्ण माखन खाए, सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला करें, इसीलिए कृष्ण ये सारे की सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो ये एक दोष नहीं है, ये एक गुण है। और एक प्रश्न है कि भगवान तो शुद्ध सत्व है, तो शुद्ध सत्व से बनी हुई वस्तु है, या शुद्ध सत्व में अगर कोई है तो उसके अंदर ये क्रोध काम वासना ये सब तो नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ देखते हैं कृष्ण को तो क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि नहीं आ जाता, जब मैया दूध नहीं पिला रही थी तो कृष्ण ने क्या करा, मटकी को फोड़ दिया, कितना क्रोध हुआ कृष्ण को आ गया। लेकिन बताया ये तो फिर दोष हो गया, ये तो क्रोध तो आम आदमी में होता है, हमारे अंदर होता है, लेकिन भगवान के अंदर भी क्या क्रोध है? तो बोला नहीं, भगवान के अंदर क्रोध नहीं है। अगर कृष्ण क्रोध में ये मटकी नहीं फोड़ते, सब नहीं करते, तो ये लीला बैठ करके अगर सुन रहे होते क्या, नहीं सुन रहे, इसलिए वो क्रोध नहीं है। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविधि क्रिया, इसलिए भगवान भांति भांति की क्रिया यहाँ पर करते हैं। अब एक और चीज बताया, शास्त्र में बताया भगवान किसको कहते हैं, जिसके अंदर छह प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप में हो, सबग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी भगवान हो सकता है। और कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं, कृष्ण का धाम कृष्ण कैसे है, बोला चिंता मणि प्रकर कल्प वृक्ष लक्षा लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से गोविंद मादि पुरुष।
चिंतामणि से बना हुआ वो धाम है, सहस्त्र लक्ष्मियां जहां सेवा करने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं यहां पर? कृष्ण चोरी कर रहे हैं। तो क्या भगवान का अभाव है? जब व्यक्ति चोरी क्यों करता है? जब उसके घर में कुछ कमी होती है, पूर्ण ना कर पाए तो क्या करता है? जाके चुराता है। तो कृष्ण चोरी क्यों कर रहे हैं यहां पर? ये तो दोष हो गया बहुत बड़ा। लेकिन विष्णुजी ठाकुर बताते हैं कि दोष नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक गुण है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं ब्रज की, वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, और सभी गोपियां क्या चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर में आए, हमारे मातम को खाए, है ना? अभी कोई रोज रोज जाके एक ही घर में खाएंगे तो बंदी सी बन जाएगी, हमारे घर नहीं आए उसके घर में। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? चोरी करते हैं। चोरी करने से क्या, चोर तो किसी घर कभी भी चला जाएगा, लेकिन वो मूलतः जो है सभी गोपियों की, सभी भक्तों की भावनाओं को वह पुष्ट कर रहे हैं। गोपियां जैसे कीर्तन में, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा, वो दर्शन करना चाहती है, और वो सारी की सारी बातें वहां पे बताती है कि आप आओ, हम आपकी हंसी देखना चाहते हैं, हमारे मटके हमारे देखो, हमने रात भर सोए नहीं है आपके लिए, हमने बड़ा सुंदर जो है दही को जमाया है, तो पिलो करके सुबह में मक्खन बनाया, आप नहीं आओगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कृष्ण जाकर उन चीजों को चुराते हैं। लेकिन और यहाँ पर इसीलिए बताया, ये एक दोष नहीं, ये गुण है, ये चोरी करना भी क्या है, एक गुण है। इसलिए बताया कृष्ण से कुछ भी चीज स्पर्श करके तो वो दोष भी एक बहुत बड़ा गुण बन जाता है। इस जगत में चोरी करना गलत है, लेकिन कृष्ण जब चोरी भी करते हैं तो उसमें भी आनंद ही भर देते हैं। अब बताया काल जिनसे डरते हैं, काल है? काल जिससे डरते हैं, कृष्ण गीता में कहते मत भया, मेरे डर से ही सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, सब टाइम से चल रहा है, ये काल चल रहा है, काल चक्र किसके भय से चल रहा है? मेरे भय से चल रहा है। और वो काल कृष्ण से डरता है, कृष्ण से डरता है। डरता है कि नहीं डरता? एक कथा आती है महाभारत की कथा है, जिसके अंदर जो कृष्ण है वो यमपुरी गए हैं, और ये भागवत जी यमपुरी गए हैं, जहां अपने गुरु पुत्र को कृष्ण वापस लेकर के आए हैं। जब वहां यमपुरी कृष्ण पहुंच गए हैं, और जब बोला, जब गेट खटखटाया, पता यम जी को पता चला यम महाराज को कि द्वार पे कौन आ गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, तो यम वहां डर गए हैं, वहां घबरा गए हैं, बोला ब्रह्मा जी का तो मान भंग कर दिया, इंद्र का मान भंग कर दिया, लगता है अब मेरा नंबर यहाँ पे आ गया। यम महाराज घबरा रहे, और जब कृष्ण जब राजा को पूछते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, और जब प्रभु मुझसे क्या गलती होगी, मुझे क्षमा करो, कृष्ण कहते हैं कि मैं गुरु पुत्र वापस कर दो, तो वो गुरु पुत्र वहां पर लौटा देते। जब इतना जब काल जो है वो भी कृष्ण से डरता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कृष्ण जो है वो किससे डर रहे हैं? मैया से डर रहे हैं। मैया यशोदा से डर रहे कि नहीं डर रहे? मैया के एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ से कृष्ण को पकड़ रखा, कृष्ण वहां थर 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 कांप रहे, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजं, गले में जो है मुहुर श्वास कंपा, जोर जोर से श्वास छोड़ रहे, कप कपा रहे, त्रिरेखांक कंठा, गले में तीन रेखाएं पड़ रही है, कृष्ण इतना डर गए हैं। जिसको देख करके गोपियां दे, जो जो कुंती महारानी कहती है कि इसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में ही आप डर रहे थे, या वहां पे नाटक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इसको देख करके कुंती महारानी भी वह मोहित हो गई, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण क्या है क्या नहीं कर रहे, उनकी माया को समझना बहुत कठिन है। लेकिन अंत में कुंती महारानी कहती है कि नहीं, तुम सचमुच में ही डर रहे थे, मैया के क्रोध से तुम सचमुच में ही डर रहे थे। तो यहाँ बताया काल भी जिससे डरता है वो किससे डर रहे हैं? मैया से डर रहे हैं। तो क्या ये दोष है? बोला नहीं, कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में इतने वशीभूत हैं कि वो क्या करते क्या नहीं करते उनको कुछ भी नहीं पता होता, ये एक गुण है बहुत अच्छा। सबसे तेज क्या चलते? वायु चलता है। उससे तेज क्या चलता है? किरणें, है ना, अग्नि किरणें, रोशनी, उससे भी तेज चलती, उससे भी तेज मन की गति है। तो क्या भगवान इससे भी कम, इससे भी कम धीरे है क्या? और कृष्ण को किसने पकड़ लिया? यशोदा मैया ने भाग करके पकड़ लिया, यशोदा मैया कृष्ण से तेज भागी और पकड़ लिया। ऐसा हो सकता है कभी कि भगवान को पकड़ लिया किसी ने? लेकिन प्रेम की यही है, प्रेम नदी आपकी सदा उल्टी बहेगा, वहां पे यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। और बताया सचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्ति है, कृष्ण क्या है? सचित आनंद से बने हुए, और यहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं जोर जोर से, रो रहे ना, जब मैया ने पकड़ लिया जोर जोर से, मैया मुझे मत मारो। लेकिन तो क्या वहां पे भगवान दुखी है? क्या ये दोष है? बोले नहीं, उनकी इस लीला में एक परम आनंद है। कितना आनंद आ रहा है, यशोदा मैया को बड़ा आनंद आ रहा है, और हम लोग सुन रहे हैं, हमें भी आनंद ही आ रहा है। कण कण में भगवान है, तो बंद कैसे गए?
बताया प्रेम के कारण भगवान ये सारी की सारी लीलाएं करते हैं। देव विश्वजीत ठाकुरपाद ने इस प्रकार से सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर इसी लीला के अंदर बताई है। फिर आगे एक श्लोक आया इसमें बताया, तो तुम बोलो श्लोक आ जा। ताली जोर बजा लेने की ताली जोर से पे बजाने। तो इसके बाद में शुद्ध गोस्वामी पाद एक शोक श्लोक को उद्धृत करते हुए बतलाते हैं, नैमम विरिंचो न भवो न श्री रप्या अंगम श्रेयंशा प्रसादम लेभिर गोपी यत् प्राप विमुक्तिदा। इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं नैमम विरिंची, यहाँ पर यशोदा माँ के सौभाग्य को वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर कहते हैं कि यशोदा माँ का जो सौभाग्य है, हम लोग पहले भी श्रवण कर रहे थे ना, नंद की मक्रोध ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपोयस्याम स्तनम हरि, कि भगवान कृष्ण उनका स्तनपान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ यशोदा के सौभाग्य को तुलना करते हुए सबसे पहले तुलना कर रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ में। ब्रह्मा जी कौन है, तो ब्रह्मा जी के बारे में बतला रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। सबसे पहले जब सृष्टि हुई थी तब ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, और वह अपनी उत्पत्ति कहां से हुई इसको खोजने के लिए फिर से नाक के अंदर, कमल की नाक के अंदर घुस गए। काफी अंदर तक जाने पर भी उनको कुछ नहीं दिखा, तब उन्हें बाद में उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी। प्रार्थना करने पर उनको व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, त और प। तो उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करने पर भगवान ने स्वयं उनको दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम तद रहस्यं च तदहं च क्रियाणां गतिम है, कि ज्ञान ज्ञान और विज्ञान दो चीजें बताई यहाँ पर। ज्ञान क्या दिया कि कृष्ण वर्तत्व है, भगवान है, किंतु विज्ञान अर्थात वे राधा रानी के साथ परिवेष्टित है, वहां पर सखियां इत्यादि है और कृष्ण सुंदर रतन वेदी पर विराजमान है, तो ये है विज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, किंतु ऐसे ब्रह्मा का भी वो सौभाग्य नहीं है जो यहाँ पर मैया यशोदा का है। उसके बाद में बताया ना भवो अर्थात शिवजी। शिवजी कौन है, हरिहर एकात्मा, भगवान से अभिन्न है वो। हम लोग कहते हैं ना वैष्णवा नाम यथा शंभो, भक्तों में अग्रगण्य है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है शिवजी, किंतु शिवजी का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जैसा मैया यशोदा का है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था शिवजी भी साक्षात अपना कैलाश लोक छोड़ के और भगवान कृष्ण का बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए थे। अभी कुछ दिन पहले जब पूतना आई थी तो मैया सब भयभीत थे ही, उन्होंने शिवजी को दर्शन कराने के लिए मना कर दिया। 3-3 दिन तक शिवजी को वहां पर बैठकर तपस्या करनी पड़ी। बाद में मैया ने बड़े कष्ट से शिवजी को भगवान के बाल रूप का दर्शन करवाया, लेकिन मैया यशोदा का जैसा सौभाग्य है वो शिवजी का भी सौभाग्य नहीं है। उसके बाद में बता रहे हैं न श्री रप्यांग श्रेयंशा, कि भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी को भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जितना सौभाग्य यशोदा माँ का है। लक्ष्मी के बारे में हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार लक्ष्मी ने जब भगवान की रासलीला देखी तो उसमें प्रवेश करने के लिए वृंदावन में आई, तो भगवान ने शर्त रख दी, क्या कि गोपी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, कंडे थपथपाने पड़ेंगे, किसी पर पुरुष से विवाह करके और मुझे वर्गीय भाव में प्रेम करना पड़ेगा। बाकी सब तो लक्ष्मी जी को स्वीकार था, किंतु किसी और से विवाह करके और परकीय भाव में भगवान को प्रेम करना ये उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए अभी भी लक्ष्मी मेलवन में तपस्या कर रही है, हाथ जोड़ के तपस्या कर रही है। तो ऐसी लक्ष्मी जो भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो यशोदा मैया जैसा सौभाग्य उनको उनका भी नहीं है। हाँ, और यहाँ पर बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी कौन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले हम लोगों ने श्रवण किया था ये द्रोण और धरा, इन दोनों ने तपस्या करी थी, तब जाकर ब्रह्मा जी ने क्या उनको वरदान दिया। उन्होंने क्या मांगा था कि हम चाहते हैं भगवान के प्रति हमारा वात्सल्य भाव हो, जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में एक बालक माता पिता के साथ में रहता है क्रीड़ा करता है उसी प्रकार का भाव हमारा भगवान कृष्ण के साथ में हो, ब्रह्मा जी ने कहा था अस्तु। लेकिन ये ब्रह्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अगर इनको यशोदा माँ को वर दे रहे हैं जो द्रोण धराई तो नंद यशोदा बने हैं, अगर ब्रह्मा जी वर दे रहे हैं तथास्तु कि तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे बालक बन जाएंगे, तो क्या ब्रह्मा जी का सौभाग्य कैसे नहीं हुआ यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का सौभाग्य कैसे, क्योंकि वो ही तो वर देने वाले हैं नंद यशोदा को। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि नंद यशोदा को उन्होंने वर नहीं दिया, नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता हैं,
गोलोक वृंदावन में नंद यशोदा नित्य माता पिता हैं। उन्होंने वरदान दिया द्रोण और धरा को, जो कि नंद यशोदा के अंदर तदात्म होकर इस वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नैवम विरिंचो, यहाँ पर जो सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं वो यशोदा का कर रहे हैं, जो भगवान की नित्य माता है। यहाँ पर धरा के सौभाग्य को वर्णन नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताइए, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के वस्त्रों को चोरी किया, चोरी करने के बाद में जब अपने ब्रह्मलोक में गए, देखा भगवान साक्षात उनको ब्रह्मलोक में घुसने से मना कर दिया, पैरादारों ने रोक लिया, बोले हमारे स्वामी को अंदर तुम बहरूपी हो, उनको वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा कि कौन है, तो उन्होंने समझ में आ गया कि साक्षात कृष्ण ही ब्रह्मा बन के मेरी पदवी पर अर्थात मेरे सिंहासन पर बैठे हैं। पुनः वे जब ब्रज में आए, देखा यहाँ पर भी सारे सखा और बछड़े वैसे के वैसे ही हैं, जब जो उन्होंने छुपा रखे थे वो भी वहां पर वैसे के वैसे ही हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। और जब अंत में भगवान कृष्ण ने उनको चतुर्मुख, सब सखा कौन थे, चतुर्मुख विष्णु स्वरूप उन्होंने देखा, तब ब्रह्मा जी प्रार्थना क्या करते हैं, तद्भूरी भाग्यम यह जन्म के बटप्या यद गोकुल अपि कथमांगे रजो अभिषेकम, कि हे भगवान आप मुझे ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के व्यक्ति रहते हैं उनके घर के बाहर का पत्थर बना दो, ताकि क्या होगा वो जब आप नंद भवन में सेवा करके कार्य करके आएंगे और घर के बाहर रखे पत्थर पे अपने पैर घिसेंगे तो उनकी चरण रज मेरे मस्तक पर लगेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये ब्रह्मा जी ब्रज के बाहर छोटे जाति के लोगों के घर के सामने पत्थर बनने की याचना कर रहे हैं, पत्थर बनने की उनकी इच्छा है, तो वो ब्रह्मा जी कैसे यशोदा को वरदान दे सकते हैं, कि वात्सल्य रूप उनके वात्सल्य भाव कृष्ण के साथ में हो, वो नहीं दे सकते। उन्होंने वरदान किसको दिया, उन्होंने द्रोण धरा को वरदान दिया। यहाँ पर कृष्णा चतुर्थी ठाकुर ये सारी बात कर रहे बतला रहे थे। तो उसके बाद में एक श्लोक के अंदर बताया कि नायम सुपंखो भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति इसका भी सुन लेंगे। हाँ, इस श्लोक की व्याख्या हरि बोल हरि कृष्ण, हरि बोल हरि कृष्ण थोड़ी सी तेज कर देंगे। हरि बोल हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि बोल हरि कृष्ण ओम ज्ञानित मिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे कभी जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को शंकर जी को लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं वो सौभाग्य मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। क्यों? कृष्ण ने मैया यशोदा की उन्होंने स्तन पान किए, इसलिए इसको बात कहते हैं। नायम सुखाभ भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम जथा भक्ति मदामी। इसमें से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहते गोपिका सुत मतलब कृष्णा, कहते कृष्णा कहते कृष्ण को यद्यपि कृष्ण को सभी ने प्राप्त किया ज्ञानी योगी कर्मी, लेकिन उनको पूर्ण रूप में उनको भक्त लोगों ने प्राप्त किया है। इसलिए भागवत में विशेष करके भक्ति को ही विशेष पूर्वक भागवत में भक्ति को स्थापन किया। जैसे हम बृहत भागवत अमृत सुनते हैं, नारद जगत में देखना चाहते हैं
जगत में सबसे भगवान की कृपा पात्र कौन है, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें किसके पास गई? ब्राह्मण के पास। सर्वप्रथम वहां पर पांच तरह का भक्तों के बात बताए, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमासु। पांच तरह का भक्त का नाम वहां पर आया है, इसलिए ज्ञानी भक्त वहां पर श्री प्रह्लाद महाराज के पास में गए, फिर वहां से फिर उन्होंने गए शुद्ध भक्त श्री अम्बरीश महाराज, उसके बाद में प्रेमी भक्त श्री हनुमान जी के पास में, फिर गए पांडवों के पास में, लास्ट में उन्होंने उद्धव जी के पास में गए। फिर उद्धव जी बोले मैं जब ब्रज में गया पहले मैं भी सोचता था कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा पात्र मैं हूँ, लेकिन जब गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों की, फिर जब राधा रानी को प्रेम को देखा मैं तो चकाचौंध हो गया। इसलिए कहते उद्धव शुद्ध रह गयो सुनी गोपियों की बोल। इसलिए कहते यहाँ पर कहते भागवत में विशेष करके भक्तों का महिमा को ही सर्वश्रेष्ठ रूप में भागवत में स्थापन की है, भगवान भक्ति को द्वारा ही पूर्ण रूप में दशरूप होते हैं। इसलिए कहते जो गोपी का सूत्र जो कृष्ण है भक्ति मता मिहम, कहते भक्ति को द्वारा ही कृष्ण संपूर्ण रूप में दशरूप होते हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, क्या कहते हैं उद्धव जी कहते हैं ना इसलिए कहते हैं उद्धव जी, कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं क्या बोलो, क्या जथा भक्ति ममर्जिता, बोलो जथा भक्ति ममर्जिता, हे उद्धव मेरे को भक्ति जितने भक्ति को द्वारा जैसे मैं वशीभूत होता हूँ और किसी को द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता, भागवत में ये चीज को स्थापन किया है। इसलिए कहते हैं नायम सुखाव भगवान दहिनाम गोपिका सुत, कहते दहिनाम, दहिनाम मतलब जो देहधारी है, पर देह के प्रति जिनकी अभिमान है, बोले ज्ञानी नांच जो ज्ञानी है, और जो आत्मभूतानाम, कहते जो आत्मा में रमण करते हैं इनके लिए भी भगवान उतना उपलब्ध नहीं है, उनको भी उतना प्राप्त नहीं हुए जैसे भगवान भक्ति को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं भक्तवत्सल भगवान, प्रसिद्ध भक्तवत्सल भगवान। इसलिए भक्तों के लिए ही भगवान पूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं। अभी जब ये श्लोक को बाद में अभी कृष्ण को तो मैया ने बांध करके रखा, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैंने मैया के प्रेम में मैंने वशीभूत हो गया, इसलिए मैं भक्तों के पास में ऋणी बन गया, अभी ये ऋणी से मेरे को उऋणी होनी चाहिए, अभी ऋणी से मैं उऋणी कैसे होगा, ऋणी से मैं उऋणी कैसे होगा, अगर हम किसको उधार कर दे हैं तभी मैं ऋणी से उऋणी हो सकता। जब कृष्ण इतना सोच रहे थे हठात उन्होंने सामने दो वृक्षों को दर्शन किया, जमलार्जुन वृक्ष को उन्होंने दर्शन किया। जमलार्जुन वृक्ष को दर्शन करते हुए कहते इन्होंने ये जमलार्जुन वृक्ष क्यों प्राप्त किए, बोले कारण कह रहे हैं बोले एक समय कैलाश में हैं वहाँ पर शंकर जी की अनुचर नाल कुबेर और ये मुनिग्रीव दोनों मतमत होकर के कहते ये पर्वत के उपपत्य में वहाँ पर मंदाकिनी हैं मंदाकिनी नदी थी, वहीं पर ये नाल कुबेर और मुनिग्रीव दोनों क्या पान किए थे, कहते सोम रस को पान करते हुए स्वर्ग के अप्सरियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। अब एक दिन श्री नारद जी भगवत इच्छा से नारद से उधर से जा रहे थे, जब जा रहे थे उन्होंने जब नारद जी को देखा उनको जो स्त्रियां जो थी गंधर्विनिया अप्सरियां नारद जी को देख करके जल से उन्होंने निकल गए, निकल करके अपना शरीर पे कपड़े को कपड़े को ओढ़ दिया शरीर को और पेड़ के आर में इन लोगों ने छुपे। लेकिन ये जो नाल कुबेर और जो मुनिग्रीव थे ना नारद जी को इसे आर पार देखने लगे थे, बोले बाबा का कोई ज्ञान ही नहीं, हमारे रंगे तो भंग करने के लिए आ गया इधर, और कोई तरह का रास्ता मिला ही नहीं, यही एक रास्ता मिल गया है, हम यहाँ मस्ती ले रहे थे आनंद ले रहे थे
इसलिए तुम इधर ही आ गया। उनको जब नारद जी को देख रहे थे ना, इतने में नारद जी ने देखा, हाय रे कहाँ स्वर्ग में कुबेर का आसन था और कितने घृण का कर्म कर रहे हैं, नंगे होकर के अप्सरियों को लेकर के जल विहार। अगर कोई साधु आ गया तो आदर करने का दूर की बात, और मेरे को क्रोध से उनको देख रहे थे, ये बाबा कहाँ से आ गया बीच में। नारद जी ने देखा इनके ऊपर में कृपा करनी चाहिए, इनके ऊपर में कृपा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कभी ये पैसा ऐसे की चीज है, कभी जहाँ पर पैसा होना कभी बड़ा बड़ा अनर्थ को ले आता है, कभी तीन अनर्थ वहां पर होता है। बोले क्या क्या तीन अनर्थ? बोले एक तो जुआ खेलते रहे, दूसरा शराब पीना, और उसमें स्त्री संग है, कभी ये सब जिसने कर दी। इसलिए परीक्षित महाराज कली को स्थान दिया ना पैसा में कली को उन्होंने स्थान दे दिया। बोले कली तुम वहीं पर रहो, और वहां पर चार चीज को स्थान दिया, दुतम जुआ पानम जितने नस्ल वस्तु स्त्री और जहाँ पर मांस है मछली अंडा ये सब चीज उनने ये पैसा में, ये सारे पाप को उन्होंने पैसा में स्थान दे दिया है। इसलिए जहाँ पर पैसा रहेगा सारी दुर्नीति होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं है? लेकिन अगर ये पैसा लक्ष्मी है, लेकिन अगर ये पैसा लक्ष्मी को, लक्ष्मी अगर भगवान की सेवा में कोई लगा दे तो फिर तो वहां पर कोई दोष नहीं। लेकिन जब भगवत सेवा में नहीं लगेगा फिर तो ये अर्थ अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे विश्वनाथ को ठाकुर, बोले तीनेर अधिक दया करे भगवान कुलीन पंडित धनी बड़ा। भगवान की विशेष कृपा किसको होता है? बोले दीनेर अधिक दया, जो दीन इन व्यक्ति है उसको ऊपर में विशेष करके भगवान भक्तों की विशेष करके उनके ऊपर में विशेष करके कृपा होती है। कारण है उनके अंदर में दीन हीन भाव रहता है। इसलिए राम का जितने भक्त देखो सब बंदर कौवे अर्पण ग्रीन भालू हैं, ये सब के सबरी गोह का चंडा, इसलिए सब साधारण व्यक्ति का इनके अंदर में दीनता रहती है। इसलिए दीनेर अधिक दया करें भगवान, दीन के ऊपर में भगवान विशेष करके कृपा करते हैं दीन ऊपर में। इसलिए उन्होंने जब देखा, अभी नारद जी सोच रहे इनका कल्याण, संत बड़े दयालु होते बड़े कृपालु होते हैं, बोले इनके ऊपर तो मेरे कृपा करना ही पड़ेगा, बोले इनके ऊपर में कहीं से कृपा करे। बोले अभी जो ये धन का मद है, कुबेर का बेटा है ना, स्वर्ग के सारे रुपया पैसा धन संपत्ति जिनके पास उनका ही ये बेटे है, इसलिए अभिमान अगर वहां से उनको नीचे गिरा दे तो फिर तो शायद नशा एक उतर जाएगी है, इसलिए उनको नीचे उतार दे। अभी नारद जी सोच रहे इनको फिर कल्याण कैसे करे। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, भैया नारद जी अपना रास्ता में जा रहे हैं, ये भले ही जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दो, अब अपना रास्ता में चले जाओ, इनको अपना रास्ता में चले जाओ, फिर इनको ऊपर में आपको अभिशाप देने का क्या जरूरत था। तो एक यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे माता ने आज बहुत सुंदर कोई केक बनाया, नहीं तो कोई मीठा चीज मैया ने बनाई, लेकिन मैया को पता है बेटे को बहुत पसंद है, बेटा बड़े प्रेम से खाता है, लेकिन बेटा सो गया। अगर एक बार नींद आ जाए ना फिर भोजन भी भूल जाते, वो भोजन भी नहीं करते, इसलिए फिर मैया क्या करती है, बच्चे को चिमटी काट कर जोर 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 हिला हिला कर उसको उठाता है, उठेगा तो जोर जबरदस्त चिमटी काट करके उसको उठाएगा। क्यों? मैया ने आज अच्छी सुंदर चीज बनाई और बेटे को बहुत प्यारा है, उसको खिलाने के लिए। खैर उसी तरह अभी नारद जी सोच रहे हैं, ये तो दोनों सोए हुए किस चीज में, शराब की नशा में धन की मद में सोए हुए, लेकिन हम इनको बड़े सुंदर मीठा खिलाना चाहता हूँ, इनको दिव्य अमृत पिलाना चाहता हूँ, लेकिन उनको जगाए, इनको पकड़ पकड़ हिला हिला कर जगाए। इसलिए नारद जी क्या देना चाहते हैं, बाद में उनको क्या गति मिली, एक में तो गोकुल में वृक्ष जन्म मिला, उनको जो अभिशाप दे जाओ तुम दोनों वृक्ष जो इनको प्राप्त करो, अभिशाप दिया, लेकिन वृक्ष बने तो कहाँ पर वृक्ष बने, गोकुल में वृक्ष बने। फिर बचपन में कृष्ण जब आए है, जब कृष्ण बचपन आए कैसे कैसे सुंदर सुंदर सखाओं के साथ में कैसे लीला कर रहे थे, उन्होंने सारी लीलाओं को उन्होंने दर्शन भी किया, सारे लीला को दर्शन किया। जब कृष्ण उनको मुक्ति कर दिए फिर कहाँ पर स्थान दिए, कहते उनको गोलोक वृंदावन स्थान दे दिया, कहते एक मधुकंठ और एक सिद्ध कंठ रूप में। वो क्या करते हैं गोलोक वृंदावन में,
कहते सवेरे जब भगवान के वहां दरबार लगता है, कहते एक तो सवेरे प्रभु का सुंदर बाल्य लीला को वर्णना करते हैं और एक शाम को जब उनको सभा लगती है भगवान की मधुर लीलाओं को वर्णना करते। देखो ये कभी जिंदगी में ये पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिंदगी भर पी पा करके जिंदगी भर जीवन बिताते। लेकिन एक संत है, इसलिए संतो अगर किसको पर क्रोध भी कर लिया ना संत, इसको पर क्रोध भी कर लिया ना संत, इनके कल्याण ही किए। कोई संत किसको अभिशाप दे करके कभी इसका अमंगल हुआ देखने को नहीं मिलता है, उनको हर समय में मंगल मंगल उन्होंने संतों ने किया है। कहीं भी संतों ने इसको ऊपर में अगर अभिशाप दिया तो इसलिए उनको, इसलिए नारद जी चाह रहे हैं इनको कृष्ण अधरावृत कृष्ण प्रेमामृत को इनको पान कराना चाहते हैं, इसलिए नारद जी ने क्या किया उनको अभिशाप दे कर जाओ तुम लोग जैसे विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे हो ऐसे नंगे रहना। कैसे वृक्ष कभी कपड़ा पहनता है, कभी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी नंगे रहते हैं। और जब उन्हें अभिशाप दे दिया और वृक्ष जन्म बड़ा कठिन जन्म है, कोई अगर टहनियां काट लेगा प्यास लगा तो पानी नहीं मांग सकता है, फिर कोई अगर पेड़ को काट जाएगा ठंडा में गर्मी में एक जगह पर खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए बड़ा कठिन जीवन है। जब उनको अभिशाप दे दिया सारे नशाई को उतर गया, उतर करके उन्होंने पानी से निकले, उनके चरण में गिर करके प्रणाम किए, हमारे बाबा हमारे अपराध हो गया, मेरे अपराध को माफ कर दो, हमारे उद्धार कैसे होगा। बोले जब कृष्ण द्वापर युग में जन्म ग्रहण करेंगे उनके चरण स्पर्श से ही तुम लोगों का मुक्ति मिलेगा, तुमने ये आशीर्वाद दिए। अभी ये दोनों वहीं पर वृक्ष जन्म होकर के गोकुल में वृक्ष जन्म होकर के वहीं पर प्राप्त थे। इसलिए जब वृक्ष जन्म प्राप्त थे इतने में कृष्ण सोच रहे इनका मैं उद्धार कैसे करूं, इतने में उन दोनों वृक्षों के ऊपर नजर पड़ा, फिर किसकी किसको याद आया, नारद जी ने बताया, क्या बताया था, कृष्ण का चरण स्पर्श से उद्धार होगा। अभी भगवान अपने नारद जी की वाक्यों को रक्षा करने के लिए नारद जब सोच रहे कृष्ण सोच रहे इनको उद्धार करते, क्योंकि कितने सत्य युग से पेड़ बनकर बैठे और तब से ये दोनों वृक्ष भी अपेक्षा कर रहे हैं कृष्ण कब आएंगे और हमारी उद्धार करेंगे। इतने में पहले तो मैया ने बांध करके गई थी, इतने में पहले सखा लोग ने आकर उसको खोलने के लिए कोशिश की, जब मैया चली गई काम में सखा लोग आकर कृष्णा आज तू भी बंधे पड़ गए, पता नहीं सबर के पिता मुंह मैंने देखा था, आज हमें भी बंधन में पड़ गया, मैया मेरे को बांध दे, बोले काम करो खोलो इसको खोलो, फिर हम अपना नित्य कर्म करेंगे। कृष्ण का नित्य कर्म किया चोरी करना घर घर में है और जाकर सखाओं के साथ में खेलना, बोले खोलो, लेकिन उन लोगों ने खोलने के लिए कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाए। बोले क्यों नहीं खोल पाए, कहते वो जो गांठ बढ़ा हुआ था प्रेम की गांठ है, भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते, भगवान बातचल रस नहीं भगवान ने उसमें बंधे, लेकिन अभी खोलना कौन चाह रहे, बोले सख्य रस, बोले सख्य रस जो है वो समभाव तो है समभाव तो है, लेकिन जो ताड़न भत्सर है ये उनके अंदर में नहीं, लालन पालन नहीं उनके अंदर में, इसलिए सख्य रस से एक रस ऊपर में वात्सल रस है, वो वात्सल रस में बंधे पड़े, इसलिए कोई एक सखा कोशिश किया खोल नहीं पाया, एक सखा दगा तेरे को खोलना नहीं आता है मैं खोल देता हूँ, वो भी कोशिश किया खोल दे, तीसरा है तेरे को खोलना नहीं आता उसको भी धक्का मार के है धक्का मार के हटा दू मैं खोलूंगा, ऐसे करते करते जब खोल नहीं पाए इतने में कृष्ण ने कहा एक काम करो उखल को धक्का मारो है, खोल तो नहीं पाए उखल को धक्का मारो, जब उखल को धक्का मारे इतने में कृष्ण अपना गुठन पर चलते चलते दोनों वृक्षों के बीच में जब चले गए इतने में उखल अटक गया टेढ़ा अटक गया, अटक गया तो इतने में कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए तो दोनों जो वृक्ष थे वो सत्य युग विशाल अर्जुन विशाल अर्जुन वृक्ष था दोनों पर तरफ में जब गिरे इतने जोर से आवाज हुई जैसे वज्रपात हुई है, जैसे वज्रपात हुई इतने जोर से आवाज हुई, जब वज्रपात जैसे हुई जब वहां से ये दोनों नलकुए और मुनिगिरि वहां से प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के भगवान को स्तुति करते हैं, बोले कृष्ण कृष्ण महाजोगी स्तोमाद्य पुरुषम पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपते ब्राह्मण विदु,
कहते कृष्ण कृष्ण, यहाँ पर दो बार कृष्ण कृष्ण, बोले दो बार क्यों कृष्ण कृष्ण बोले, क्योंकि वो दो व्यक्ति थे ना, नल कुंवर मुनि के थे, इसलिए दोनों ही एक साथ में प्रभु को प्रणाम कर रहे, इसलिए कहते कृष्णा कृष्णा है दो बार कहते, बोले आप कौन है, बोले तो माध्यम, तो विश्व ब्रह्मांड का आदि हो, इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि सबका जो आदि कौन है, बोले ये आप तो माध्यम, बोले महाजोगी आप, बोले पुरुष पर जितने पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, बोले आप, बोले व्यक्त अव्यक्त विदम विश्व रूपम ते ब्राह्मण विदु, इसलिए ये विश्व ब्रह्मांड का है सबका जो आदि कारण आप ही हो आदि कारण, इसलिए नम परम कल्याण नम परम मंगल वासुदेवाय संताय जदुनाम पते नम, कहे प्रभु आप जीव का परम कल्याण करने वाले, आप परम मंगल करने वाले, आप शुद्ध सत्व वासुदेव हो, शांत हो, आप जदुओं का आप पति हो, इसलिए हे प्रभु हमारे पर में आप आशीर्वाद करो, बोले बाणी गुणानुकथने, वो प्रार्थना कर रहे अभी हम क्या चाहते हैं, कहते बाणी गुणानुकथने, जब हमारे मुंह से कोई बाणी निकले, जैसे आपकी कथा छोड़कर कोई जैसे मुंह से बाणी नहीं निकले, बोले श्रवण कथाया, अगर हम किसी चीज को सुने तो कानों में केवल आपकी कथा ही हम श्रवण करें, हस्तौ च कर्मसु, बोले हाथों में जो कुछ करे तुम्हारी सेवा करे, हैं अपन तुम्हारी सेवा करे, बोले मनसु, हैं कहते मन को द्वारा क्या करे, बोले तवयोरना, मन को द्वारा आपकी चरण की हम चिंता करें, ये जो सर है क्या करे, ये सर को आपको कोई भक्तों को अगर दर्शन करना, जैसे सर अपने आप के चरण में झुक जाए, बोले क्यों, बोले आज ये दुर्गति क्यों हुई, अगर हमने नारद जी को देखा, अगर थोड़ा प्रणाम कर लेता तो कोई हानि थोड़ी होता, थोड़ा प्रणाम करके तो उद्धार ही होता संतों को, इसलिए प्रणाम नहीं किया ना, इसलिए आज क्या हुआ हमको ये अभिशाप से हमको ये वृक्ष जन्म लेना पड़ा, इसलिए जब हम आपकी भक्तों को दर्शन करें, बोले दृष्टि सताम दर्शने, ये आंखों से जब कोई चीज दर्शन करे, किसको दर्शन करे, संतों को, ये आंखों से संतों को दर्शन करे, भवत नृणाम, आपका जो भक्त है, कहते आपका भक्त कौन है, अपना मूर्ति रूप साधु गणे, कहते आप जो साधु लोग कौन है, बोले आप साक्षात आप ही हो, कहते साधु लोग कौन, बोले आपका जो मूर्ति है ना, कहते ना साधु दर्शन से कल्याण हो जाता है, साधु दर्शन मात्र भवेत बंध पुष्प अपना सभी तुर जाता, सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, संत दर्शन मात्र से, गंगा में नहाने से कल्याण होता है, संत का दर्शन से कल्याण हो जाता है, इसलिए है प्रभु जैसे संतों का दर्शन से ही हमारे ही कल्याण दर्शन है, इसलिए आप हम लोगों को यही आशीर्वाद दो, तो उन्होंने भगवान से ये स्तुति की, भगवान उनका आशीर्वाद दिए और एक स्वरूप में नल कुबेर मुनिगिरि बन करके स्वर्ग में गए और एक स्वरूप में गोलोक वृंदावन में मधुकट और सिद्धकट होकर के वहां पर गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर कल हम लोग उसका आगे स्मरण करें, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पिता गौर ब्रह्मानंद, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Thank you.
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रवर्ती जय। गुरुपाद प्रभु